प्रकृतेर गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृतस्न विदो मंदा न कृतस्न विन्न विचालयेत। प्रकृति प्रकृतिजन्य गुण समूढ़ा गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी पुरुष गुण कर्मसु गुणों और कर्मों में सज्जनते आसक्त रहते हैं तान उन अकृत्सना विदा पूर्णतया न समझने वाले मंदान मंदबुद्धि अज्ञानियों को कृतक्षण वित पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य न विचालयेत विचलित करते हैं। अर्थात प्रकृतेर गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु सत्व रज और तम ये तीनों प्रकृतिजन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। गीता के 14वें अध्याय के 6 से 8वें श्लोक तक उपर्युक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। इसी अध्याय के 5वें 26वें श्लोकों में ऐसे अज्ञानी पुरुषों का सत्ता अविद्वांस और कर्म संग्राम अज्ञानम नाम से वर्णन हुआ है। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंची उठने की बात समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान ने उन्हें अज्ञानी कहा है। तान कृतस्नविदो मंदान अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धनादि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों पदार्थों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र वेद कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें अकृतस्नविदः पूर्णतया न जानने वाले कहा गया है और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदान मंदबुद्धि कहा गया है। कृतज्ञ विन्न विचालित गुण और कर्म विभाग को पूर्णतया जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह पूर्व वर्णित सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्मों में लगे रहें। अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों से विचलित न करे, जिससे वे मंदबुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाए। इसी अध्याय के 25वें 26वें श्लोक में ऐसे ज्ञानी पुरुषों का असक्त विद्वान और युक्त विद्वान नाम से वर्णन हुआ है। भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुष को 25वें श्लोक में कुरियात पद से स्वयं कर्म करने की तथा 26वें श्लोक में जोशयेत पद से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने की आज्ञा दी है, परंतु यहाँ भगवान ने न विचालयेत पदों से वैसे आज्ञा न देकर मानो उसमें कुछ ढील दी है कि अज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित न करें। कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते, उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञान योगी संपूर्ण करते कर्म करते हुए भी उसका कर्म और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता, जो वस्तुतः था नहीं। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है। अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए
और वे उन कर्मों का त्याग कर देंगे, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करता है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। इसके परिशिष्टि भाव में अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो। उस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्मयोग है। अतः यहाँ 29वां श्लोक समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और श्री राधे कृष्णा लिखें। जय श्री।